कोरोना के संकट को रोकने के लिए बनाए गए नियम अनुसार आज नगर क्षेत्र में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत बाएं तरफ की 2 नंबर की दुकानें खोली गयी। स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत सुबह 7 व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोली तो ग्राहक भी इन दुकानों पर खरीदारी करने पहुंचे, तो वहीं पुलिस द्वारा मार्केट की तरफ बैरिकेडिंग कर मार्केट के अंदर वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध रहा। ऑड इवन फार्मूला अगले किसी भी निर्देश तक यथावत जारी रहेगा। दरअसल सोमवार को स्थानीय प्रशासन ने व्यापार मंडल के साथ बैठक कर क्षेत्र में ऑड इवन फार्मूले के तहत दुकानें खोलने पर विचार विमर्श करते हुए ये फार्मूला लागू करने का निर्देश दिया था। निर्देश के बाद व्यापारियों के सहयोग से प्रशासन ने क्षेत्र में मार्किंग की। वहीं क्षेत्र में खालसा फाउंडेशन के द्वारा देर रात्रि तक तथा आज भी दुकानों का आगे सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए गोले बनाकर संदेश दिया गया। लॉकडाउन के तीसरे चरण में नगर प्रशासन द्वारा लागू किया गया ऑड इवन फार्मूला आज असरदार भी साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ आज ऑड इवन तरीके से खुले बाजार का व्यापारियों ने फायदा उठाते हुए दुकानों में भी लगवा ली, जिससे बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। नगर आयुक्त प्रकाश चंद्र ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को दुकानों के सामने सर्किल बनाने के लिए खालसा फाउंडेशन की सराहना की। इनके बाद सर मार्केट खुला है, ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया गया है, किस तरह का देखा जा रहा है व्यापारियों के द्वारा, किस तरह का सहयोग किया जा रहा है और क्या अपील करना चाहेंगे व्यापारी लोगों से? नहीं, यह निश्चित तौर पर जो है उत्साहवर्धक है। कल यहाँ पर नगर निगम सभागार में जो व्यापार मंडल के साथ बैठक हुई थी उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और आज हमने मैंने पूरे मार्केट में घूम करके देखा था। जो कल हमारा ऑड इवन वाला जो कंसेप्ट है, दुकानें एक ही तरफ खुली हुई हैं और इसमें खालसा फाउंडेशन ने जो ओवरनाइट जो दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए जाने वाले जो बोले हैं वो भी बनाए हैं और मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूँ उसमें। लेकिन आज बाजार में मैंने देखा कुछ दुकानों में जिसमें बेसिकली कि अंदर जा करके ही खरीदारी संभव है, ऐसे में लोगों को मैंने देखा कि कुछ दुकानों के अंदर थे। लेकिन पहला दिन है तो इसलिए हमने उनको सिर्फ चेतावनी देना ठीक समझा है। मैं अभी भी कहूँगा कि कोरोना COVID-19 अभियान अभी जारी है और कम से कम 17 मई तक सभी से ये अपेक्षा है कि अपने दुकानों के अंदर और उसके बाहर क्रय विक्रय करते हुए जो एक सामाजिक दूरी का हम लोग पिछले 40 दिनों से अनुपालन करा रहे हैं और आपके सहयोग से हो भी रहा है, उस अभियान को जारी रखेंगे। और अगर ऐसा ना हो तो फिर जो जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार इसमें जो दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, प्रथम बार उल्लंघन में 500 रुपये का जुर्माना, द्वितीय बार उल्लंघन में 2000 रुपये का जुर्माना और तीसरी बार में सीधे FIR, उस कार्रवाई को भी करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और मेरी सभी से अपील है कि बहुत दिनों बाद ये लॉकडाउन खुला है तो कृपया सोशल डिस्टेंसिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखें।